ticket. ये तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है. 600 for the horse. Slowly, 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 but it's beautiful. यहाँ से नजर आता है Taktsang. है ना शानदार चीज. वेस्ट बोटल यूटिलाइजेशन, वॉट आइडिया. हाँ, बैठ करके तभी संभव जी कैसे शनरिकेशन किया था. आप ये सीधे के पीछे देखेंगे तो वहाँ पर ओके बॉबी भी मौजूद है. टाइगर्स नेस्ट के ट्रैक के लिए. सुना बहुत है, खूबसूरत है, जो जो गया सबने बताया. आज जाके देखने का मूड है, देखते हैं क्या होता है. थोड़ा सा डिटेल आपके साथ शेयर कर लेता हूँ. यहाँ से आपको एक टैक्सी बुक करना है, जो नॉर्मली एक दिन पहले आप जाकर के उनको बोल दो, उनके साथ नंबर एक्सचेंज कर लो. यहाँ पर उसमें टैक्सी स्टैंड है, आप किसी से पूछ लीजिएगा. वहाँ से आप सुबह उनको फ़ोन करेंगे, वहाँ के आपको पिक करेंगे, ड्रॉप कर देंगे. थोड़ा प्राइसिंग के बारे में बताता हूँ. हमने जब जाके पूछा तो 400 ईच हम लोगों से डिमांड किया वन साइड. तो अगर आना जाना पिक एंड ड्रॉप दोनों है तो 800 रुपये का कॉस्टिंग आएगा. फिर थोड़ा निगोशिएट किया, दो तीन लोगों से बात करके, तो 300 ईच साइड पे फाइनल हुआ. रात को हम लोग ये लुकजिम को साथ ले करके गए, तो उसने 350 में कराया दो लोगों का. 350 रुपीस, 175 रुपी ईच. तो कहीं ना कहीं लोकल लोग आपके साथ होने का फ़ायदा मिलता है आपको. अभी हम लोग, क्योंकि वहाँ पर जो फूड मिलता है वो बहुत कॉस्टली है, तो हम लोगों ने इसी रेस्टोरेंट में जहाँ हम लोग रुके थे होटल में, उनको बोला था कि आप सुबह में पराठे तैयार करके दे दीजिएगा. तो ये दो पराठे पैक करके दे रहे हैं और दो दो हम खा करके निकल रहे हैं, ताकि रास्ते में नहीं खाना पड़े. तो ये अभी तक का प्लान है. अभी हम टैक्सी वाले क्लोथ पहन करके जाइए, शॉर्ट्स अलाउड नहीं है वहाँ पर. ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग फ्रॉम भूटान. अभी हम लोग निकल रहे हैं टैशकेंग के लिए, Taktsang के लिए. मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ. ट्रिप शुरू हो चुकी है. ये नोरबू हैं जो हमें पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी 350 में दे रहे हैं. नंबर स्क्रीन पर है, कभी भी आप चाहें तो इनकी सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं. ये है खूबसूरत नज़ारे जब आप टैक्सी में होते हैं. देखिए, बिल्डिंग देखिए, सड़क देखिए, और किस तरह से पार्क करने का स्पेस सड़क पर ही बनाया गया है जहाँ सब गाड़ियाँ पार्क होती हैं. मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपको टैक्सी स्टैंड के बारे में बताऊंगा. तो ये देखिए, ये है भूटान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप, और इसके बिल्कुल साथ में ये देखिए कितनी सारी टैक्सीज खड़ी हैं. यहाँ से हम जब लेफ्ट टर्न लेते हैं Taktsang जाने के लिए, यानी टाइगर नजर जाने के लिए, तब कॉर्नर पर है टैक्सी स्टैंड. और ये है खूबसूरत सड़क जो जा रही है टाइगर्स नेस्ट के लिए. हमें टोटली 20 मिनट लगे थे वहाँ तक पहुँचने के लिए. कोई ट्रैफिक नहीं है, बिंदास गाड़ियाँ चलती हैं, और खूबसूरत नज़ारे हैं दोनों तरफ. आपको याद है एपिसोड 10 में मैंने आपको बताया था गेम नाइट के बारे में. राइट साइड में जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो व्हील लगा है, ये यही है वो जगह जहां हम नाइट गेम नाइट के लिए आए थे. सुबह का वक्त है, लोग अपने काम पर जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे अपने स्कूल में जा रहे हैं. हमें रास्ते में बहुत सारी स्कूल की बसेस नज़र आई, और इन खूबसूरत वादियों के बीच, इन हरे भरे पेड़ों के साथ से होते हुए हम निकल रहे हैं अभी टाइगर्स नेस्ट की तरफ. आप एक नज़ारे एंजॉय करिए. जर्नी के दौरान मैंने अपने ड्राइवर से लॉयंस नेस्ट के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, तो देखिए उन्होंने क्या कहा. लॉयंस नेस्ट भी है उसके आगे, अजी लॉयंस नेस्ट भी है क्या आगे टाइगर्स नेस्ट के बाद, है ना? तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि जहाँ टाइगर्स नेस्ट है उसके बिल्कुल पास में लॉयंस नेस्ट भी है. तो कभी भी आप जाएँ तो ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा. मैं भी जब वहाँ पहुँचूँगा तो आपको लॉयंस नेस्ट के बारे में कुछ और जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ.
अभी हम लेने वाले हैं राइट टर्न, ये जो सीधी सड़क जाती है ये जाएगी एक और फोर्ट है पारो में, जो ओल्डेस्ट फोर्ट है 1860 में बना हुआ, वहाँ लेकर जाएगी, जिसको अभी म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये पुल पार करने के बाद, राइट टर्न लेने के बाद, ये जो सड़क है ये सीधी जा रही है, सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से टाइगर्स नेस्ट का हाइकिंग जो पॉइंट शुरू होता है वो जगह, वहीं से आप टिकट लेंगे, गाड़ी वहीं पार्क होगी, ड्राइवर आपको वहीं पर ड्रॉप करेंगे और इवनिंग में जब आप आ रहे हैं तो उन्हें फ़ोन कर दीजिए, वो आपको वहीं से पिक भी करेंगे। जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको देवदार के पेड़ दिखने शुरू होते हैं। ये खूबसूरत सा मंदिर था लेफ्ट हैंड साइड पर, और ये हम पहुंच गए हैं। करीब 20 मिनट लगे हमें यहाँ पहुंचने में, और अब हम टिकट लेने के लिए जा रहे हैं। ₹500 टिकट शर है। थैंक यू। हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज तंगशु। तंगशु, थैंक यू सो मच तंगशु। आई एम टिकट सेलर। ओके, दैट्स सो नाइस, थैंक्स अ लॉट। काफी गाड़ियां हैं तो काफी लोग पहुंच चुके हैं, इसका मतलब क्राउड अच्छा कैसा लग रहा है। अरे भी बढ़ेगा धीरे धीरे। लो जी, शुरू हो गया हमारा हाइकिंग। तो यहाँ शॉपिंग के लिए शॉप्स बनाए गए हैं। सो गुड, 600 for the horse. Good. 600 में जो हॉर्स आप यहाँ से लेंगे ये आपको 2 किलोमीटर एक पॉइंट है वहाँ तक लेकर जाएगा, उसके बाद 1.5 किलोमीटर आपको हाइक करके ही जाना है। We can say Taktsang from here. थोड़ा और ऊपर भी हो सकता था। हाँ? मतलब नीचे बनाया यार, इसको तो चोटी में बनाना चाहिए था ऊपर। अब जा शुरू जगह में। हाँ शुरू कर लो। यहाँ पे लिखा है कि जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि भूटान इज वाइडली नोन एज चैम्पियन फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन लैंडस्केप अक्रॉस भूटान आर डॉटेड विद सेक्रेट साइट्स लाइक दिस वन, सो दे कॉल इट टैक्सिंग टाइगर्स लेयर। हम लोग इसको बोलते हैं नॉर्मली टाइगर्स नेस्ट, पर ये टाइगर्स लेयर नाम यहाँ पे लिखा है। Which is associated with Guru Rinpoche, a peerless tantric Buddhist master from 8th century. जब ये ट्रैक स्टार्ट होता है तो बहुत सारे घोड़े हमारे साथ थे जो ऊपर की तरफ जा रहे थे, और बहुत श्योर और मिट्टी भी थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना यहाँ बैठकर थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए, इस शांति को इंजॉय किया जाए और इन घोड़ों को आगे जाने दिया जाए। आगे के ट्रैक के बारे में और जानकारी और नज़ारे देखने के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड देखिएगा, एपिसोड नंबर 14। तब तक एक छोटे से क्लिप है, इसे एंजॉय करिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखना मत भूलिएगा नेक्स्ट एपिसोड नंबर 14 ऑफ भूटान सीरीज। तो मिलते हैं।